मोहब्बत से सभी श्रोता बंधु समझा कर तुम्हारे आंगन में जो सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया है उसका नाम रुक्मिणी होगा और इसकी शादी होगी तो भगवान कन्हैया के साथ में शादी होगी, तुम्हारे दामाद बन करके भगवान आएंगे। और जैसे ये बात सुनी कि हमारे दामाद बन करके भगवान आएंगे तो बड़ी खुशी हो गई राजा को। अगर भगवान मेरे घर में दामाद बन करके आएंगे तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। इसी बात पर देव ऋषि नारद को जैसे ये बात सुनी कि महाराज कह रहे हैं कि हमारे दामाद बन के भगवान आएंगे, बड़े खुशे हुए देव ऋषि नारद की बात सुनकर के महाराज भीष्म। लेकिन इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, लेकिन एक संत भगवान एक ब्राह्मण देव रुक्मिणी के द्वारे से भिक्षा करते हुए जा रहे थे तो गुनगुनाते हुए जा रहे हैं मन मन में कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हें दीदार कन्हैया का। यानी ब्रज भूमि में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है, ये संत भगवान गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। रुक्मिणी जैसे ही शानी हुई थी तो रुक्मिणी ने ये कानों में आवाज सुनी कि भगवान का अवतार हुआ है। तो अब तो भगवान के नाम की रुक्मिणी इतनी बड़ी दीवानी बन गई, सुबह से शाम तक भगवान की रटन लगा रहती है।
भगवान का भजन करती है। रुक्मिणी की सोचने सुना है रुक्मिणी ने कि भगवान का अवतार हुआ है, तो भगवान के अवतार की खुशी में रुक्मिणी भगवान के नाम की दीवानी बन गई। सुबह शाम भगवान का नाम लेती है, भजन करती है, हर कीर्तन करते हैं। जानो भगवान के नाम की वो रुक्मिणी इतनी दीवानी बन गई। अगर कहीं आपस में बैठकर सखियों में कोई भी चर्चा होती है तो वहीं पर भगवान की चर्चा करने लगती है। जब देखो तब भगवान की बात रुक्मिणी अपने मुख से करती रहती है। भक्त जनो धीरे धीरे रुक्मिणी सियानी हुई है। एक दिन अपने आंगन में गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रही थी तो मैया शुद्धमती ने देखा है कि रुक्मिणी तो सियानी हो गई, इसकी शादी करवानी चाहिए मुझे। दासी को पास में बुला लिया है, दासी से कहा है, दासी